हेलो फ्रेंड्स, आई एम श्वेता। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल श्वेताज फूड मैजिक। आज हम बनाएंगे टूटी फ्रूटी, जो कि रॉ पपाया से बनाया जाता है, बट हम इसको वाटरमेलन के छिलकों से बनाएंगे। ये मैंने छिलकों को पहले से ही पील कर लिया है। अब इनको हम स्लाइस में ऐसे कट करके इनके डाइस कट करेंगे। टूटी फ्रूटी मल्टीपल डेजर्ट्स में हम यूज़ कर सकते हैं, लाइक कस्टर्ड, मैंगो शेक एंड आइसक्रीम, केक्स। ये सब चॉप हो गए, अब हम इनको बॉईल करेंगे। पैन में मैंने 3 कप पानी डाल दिया है। अब इन वाटरमेलन की स्किन को हम बॉईल करेंगे। 5 मिनट से ज़्यादा बॉईल नहीं करेंगे, अदरवाइज ये ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएंगे। बीच बीच में इसको स्टर करके चेक करेंगे। ये 5 मिनट्स हो गए हैं और कुक हो चुके हैं। अब इनको ड्रेन आउट कर लेते हैं। अब शुगर सिरप बनाते हैं। 1/2 कप शुगर लेंगे, 2 कप पानी डालेंगे, 2 कप शुगर के मेल्ट होने तक बराबर इसको चलाते रहेंगे। ये शुगर मेल्ट हो गया है। अब इसमें कट किया हुआ वाटरमेलन ऐड करेंगे। इसको 5 मिनट्स तक इस शुगर सिरप में बॉईल करेंगे। ध्यान रहे, बॉईल हमें मीडियम फ्लेम पर ही करना है। बॉईल्ड टूटी फ्रूटी को हम बोल्स में डालेंगे। मेरी लास्ट आइसक्रीम की वीडियो में इसी टूटी फ्रूटी से टॉपिंग की है मैंने। अब कलर्स ऐड करते हैं। मैंने ग्रीन कलर का यूज किया है, 1 पिंच। अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। इसमें मैंने येलो कलर यूज किया है, इसको भी अच्छे से मिक्स करेंगे। इसमें रेड कलर यूज किया है। 1 आवर तक कलर में सोक करके रखेंगे। 1 आवर हो चुका है इन टूटी फ्रूटी को। अब इन्हें ड्रेन आउट कर लेते हैं। इसे क्लॉथ पर हल्का सा ड्राई करेंगे और टिश्यू पेपर पर इसको फैला देंगे। सेम ऐसे ही सभी टूटी फ्रूटी को ड्राई करके टिश्यू पेपर पर फैला देंगे। सभी टूटी फ्रूटी फैला दी है मैंने टिश्यू पेपर पर। अब इन्हें 4 से 5 घंटे तक सूखने के लिए छोड़ देंगे। 5 से 6 घंटे ड्राई होने के बाद मेरी टूटी फ्रूटी कितनी ब्यूटीफुल लग रही है। और 15 डेज तक आप इसको एयर टाइट कंटेनर में स्टोर करके फ्रिज में रख सकते हैं। आप भी मेरी रेसिपी से टूटी फूटी बनाइए और कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइए कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।